अगर आपने टाइटल और थंबनेल देखकर वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को बनाने के लिए लास्ट 10 ईयर का बोर्ड का पेपर, एनसीईआरटी बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और तार विद्या मास्टर माइंड क्वेश्चन बैंक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लस यूपी बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर 2019 को मिलाकर बनाया गया है। मैं आपको बता दूं इस चैनल पर फिजिक्स के किस तरीके से आपको वीडियो मिलेगी। फिजिक्स में 4 तरीके के प्रश्न आते हैं, बहुविकल्पी, अति लघु, लघु, त्रिदीर्घ उत्तरी। 16 से 31 दिसंबर तक आपको बहुविकल्पी, अति लघु, लघु, त्रिदीर्घ उत्तरी के 4-4 वीडियो मिलेंगे। सभी में 10 प्रश्न रहेंगे, टोटल 40 प्रश्न विद सॉल्यूशन मिलेंगे। 1 जनवरी को आपको 500 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा सभी विषयों के लिए। 2 जनवरी से 20 जनवरी तक लास्ट 10 ईयर का बोर्ड का पेपर आपको सॉल्व कराया जाएगा, प्लस आपको 21 से 5 फरवरी तक मॉडल पेपर और गैस पेपर को सॉल्व कराया जाएगा। रोज शाम 7 बजे लाइव टेस्ट होता है, भाग ले सकते हैं। अगर आप इतनी तैयारी कर लेते हो, इतने 2 महीने 1 महीने जितना टाइम बचा है, आपको 85% पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर आप तक कहीं भटक रहे हो तो सब्सक्राइब करो इस शुभम क्लासेस चैनल को और उस बेल नोटिफिकेशन दबाओ, इससे आपको आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में आपको फिजिक्स के अति लघु का पार्ट 2 बताऊंगा, बहुविकल्पी, अति लघु, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी के पार्ट 1 आ चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देख लो। क्लास 12 के फिजिक्स का अति लघु का पार्ट 2 सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन इसमें फालतू नहीं है। सभी क्वेश्चन बहुत मेहनत से खोज कर बनाया जाता है ताकि आप कम समय में ज्यादा मार्क्स पा सकें। इसलिए सभी वीडियोस को ध्यान से अंत तक देखा करो, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न 3 साल आ चुका है, 10-7-17। पी टाइप अर्धचालक क्या है? आपको बताना है पी टाइप अर्धचालक क्या है। अति लघु है तो शॉर्ट पे रहेंगे, इसलिए सभी प्रश्नों का आंसर मिलेगा, आपको आंसर खोजने की कहीं जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको सभी प्रश्नों का आंसर तुरंत दे देता है डिस्क्रिप्शन में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे। सेकंड क्वेश्चन है जेनर डायोड क्या है? आपको बताना है जेनर डायोड क्या होते हैं। 17, 14, 15, 3 साल ये भी बोर्ड एग्जाम आ चुका है, जेनर डायोड क्या है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कर लेना यार। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 11, 6-7 साल नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? 18, 17, 16, 15, 14, 13, 6-7 साल आ चुका है। फोर्थ क्वेश्चन है किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु से क्या तात्पर्य है? किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु से क्या तात्पर्य को बताना, 16, 15, 12, 8, 5, 5 साल से यह भी आ चुका है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है मूल कण तथा प्रतिकण से क्या तात्पर्य है? आपको बताना है मूल कण तथा प्रतिकण से क्या तात्पर्य है। 5 साल ये भी बोर्ड एग्जाम आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी प्रश्नों का आंसर भी आपको दे दूंगा, कोई भी खोजने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अगर वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करो। 6th क्वेश्चन है प्रकाश वैद्युत कारफलन से क्या तात्पर्य है? आपको बताना है प्रकाश वैद्युत कारफलन क्या होता है, क्या तात्पर्य इससे ये बताना है। 11, 10, 9, 8, 6, 5, 6 साल से भी आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, सभी तैयार कर लेना। 7वां प्रश्न है ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है? बताना है ध्रुवण कोण क्या होता है, इससे क्या तात्पर्य। 18, 17, 16 पीछे 3 साल से लगातार आ रहा है, प्लस 2007 में भी आ चुका है, ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य। क्लियर है। 8वां प्रश्न है कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। 16, 10, 7, 6, 4 साल ये भी बोर्ड एग्जाम आ चुका है। 9वां प्रश्न इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की तुलना में अधिक क्यों होती है? आपको कारण बताना है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की तुलना में अधिक क्यों होती है, ये आपको बताना है। 13, 8, 11, 17 4 साल ये भी आ चुका है। 10वां प्रश्न प्रकाश के वेग के पदों में अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। प्रकाश के वेग के पदों में अपवर्तनांक का सूत्र लिखना। ठीक है, 17, 16, 13 3 साल ये भी आ चुका है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप फिजिक्स के सभी पार्ट्स तैयार कर लेते हो तो आपको फिजिक्स में जो थ्योरी हमारा है उसमें आप 55+ आराम से क्रॉस कर सकते हो, और अगर आप थ्योरी प्रैक्टिकल में 30+ क्रॉस की हो तो आप 85+ आराम से क्रॉस कर सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर अभी भी मन लगा पढ़ते हो तो आप 85+ आराम से क्रॉस कर सकते हो। अगर कहीं भटक रहे हो तो सब्सक्राइब करो शुभम क्लासेस चैनल को और उस बेल नोटिफिकेशन दबाओ, जिससे आपको आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके। और सभी प्रश्नों का आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया, आपको जहां से आसानी पड़े आप वहां से ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।